बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है हमारी वो है बेरिंग पे, जो कि ऑल लेवल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 का जो है वो टॉपिक है। और बेरिंग को सॉल्व करने के जो है कुछ रूल्स हैं, चले उनको जो है वो पहले स्टडी कर लेते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि इट शुड ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। तो बेरिंग को सबसे पहले हमेशा जो है वो आपने जो है वो नॉर्थ से ही जो है वो स्टार्ट मेजर करना है। तो लेट सपोज हमारा जैसे ये है, तो इसको हमेशा जो है वो नॉर्थ से ही मेजर करना है। सो अगेन जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि वी ऑलवेज मेजर बेरिंग फ्रॉम क्लॉक वाइज डायरेक्शन। बेरिंग को जब भी हमने मेजर करना है तो हमेशा इसको जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो है वो मेजर करना है, लाइक दिस। जैसे कि ये हमारा नॉर्थ है और इसको जो है अगर हमने जो है वो मेजर करना है तो इसको हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही जो है वो मेजर करना है, लाइक दिस। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इट शुड बी क्लॉक वाइज। तो अगर हमने जो है इसको जो है वो क्लॉक वाइज ही मेजर करना है तो ना कि जो है वो एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज जो है मेजर नहीं करना, क्योंकि ये हमारे रूल में जो है वो शामिल नहीं है। तो बेरिंग को जब भी सॉल्व करना है इसको जो है क्लॉक वाइज ही जो है वो मेजर करना है। और जो रूल 3 है वो ये है कि अप्लाइंग ऑफ जी एंड यू रूल्स। तो जी रूल ये है कि लेट सपोज के हमारे पास जो है वो एक जो एंगल्स है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि ये जी शेप होती है तो इसलिए जो है इसको जो है वो जी रूल जो है वो हम कह रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है ये एक जो है वो अल्टरनेट जो है वो एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो लेट सपोज कि अगर ये एंगल जो है वो 30 है तो ये एंगल भी जो है वो 30 होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है वो बता सकते हैं कि ये जो एंगल जो है वो 30 अल्टरनेट प्रॉपर्टी एंगल्स की। तो अगेन जो यू रूल्स है वो इस तरह होंगे कि मतलब जो इंटीरियर एंगल्स के लिए जो है वो हम यू रूल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल एज इट इज जो है वो ऐसे होगा। ये एक रफली जो है डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट मैं। तो इंटीरियर एंगल, तो लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एंगल जो है वो 50 है तो हमें पता है जो इंटीरियर सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पे इसको अगर ये एंगल हमने जो है वो मेजर करना है तो इसके लिए जो है वो हम 180 माइनस 50 कर लेंगे। तो जो है हमारा जो होगा वो आंसर जो होगा वो हम यहाँ पे जो है वो आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। तो ये प्रॉपर्टीज है जो कि हमने जो यूज़ करनी जब हम सॉल्व कर रहे होंगे बेरिंग को। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो रूल्स है बेरिंग को सॉल्व करने के, ऑलवेज राइट नंबर इन 3 डिजिट्स। तो लेट्स सपोज अगर हमारा जो एक आंसर आता है वो है 40 डिग्री, तो हमेशा हमने उसको जो है वो लिखना है जो है वो 040। अगर लेट्स सपोज एक और जो है हमारे पास 1 2 3, तो इस केस में हम इसको अगेन 1 2 3 ही लिखेंगे, क्योंकि आंसर जो है वो ऑलरेडी जो है वो 3 डिजिट्स में, इसके लिए इसको हम 3 डिजिट्स में ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसको जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो इस तरह जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और इनके दरमियान हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो आमतौर पर जो है वो 90, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो एंगल होगा उससे हम कहेंगे 90। तो इसको ऐसे स्टार्ट करना है अगेन इस तरह। सो
हो जाएगा वेस्टर्न नॉर्थ, वेस्टर्न नॉर्थ। तो इसको जो हमने इस तरह जो है सॉल्व करना है, सबसे पहले ओवरऑल जो है वो